बारिश का कहर, अब तक 21 लोगों की गई जान। इन इलाकों में हालात बेहद खराब। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। सिंधु बॉर्डर हत्या मामले में 6 दिन की रिमांड में भेजे गए 3 आरोपी, अब तक 4 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 24 घंटे में 4 नवजात बच्चों की मौत, परिजनों का अस्पताल परिसर में हंगामा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के लोगों का बीजेपी पर विश्वास, पार्टी पिछड़े इलाकों में विकास करेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। रामपुर के महात्मा गांधी स्टेडियम में सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे। दोनों नेता यहां पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के मंच पर दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के एपिड योजना के तहत दिव्यांगों और वृद्धजनों सहायक उपकरण भी बांटे गए। मथुरा में अचानक हुई तेज बारिश ने नगर निगम मथुरा पुल की खोल कर दी है। नगर निगम के आला अधिकारी और महापौर स्वच्छता के तमाम दावे करते हुए, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आज अचानक हुई तेज बारिश में जगह जगह जल जमाव देखने को मिला। वहीं अमनापार क्षेत्र के तिवारीपुरम कॉलोनी वार्ड नंबर 13 में सीवर लाइन पूरी तरह भर जाने से पानी लोगों के घरों में घुस गया और निकालने में वहां के निवासियों को काफी मेहनत करनी पड़ी। जब इस बात की शिकायत नगर निगम के आला अधिकारियों से की गई तो उन्होंने मामले पर सफाई पेश की है। समस्या ये है कि ये सीवर लाइन का पानी है और ये दिल्ली का नियम है, यहाँ तो निकलता है। अच्छा। और ये सीधा जमुना जी में जाता है। अच्छा। और घरों में भी पानी जाता है। शिकायत काफ़ी जगह कर चुके हैं, इसका बंगाली घाट में ऑफिस भी है, वहाँ पे भी कंप्लेंट कर चुके हैं। अभी भी जस्ट नंबर मिलाया है लेकिन उठाया नहीं है, शर्मा जी करके हैं, उनके पास में मिलाया था। अधिकारी पे काफ़ी जगह बोल दिया, अधिकारी आते भी हैं, अभी आए थे कुछ दिन पहले भी, यहाँ देख रेख करने आए थे, तो उनसे भी बोला था, वीडियो भी बनाई थी, वो भी दिखाई थी, तो बोले कि इसमें काम चल रहा है। आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में हार्डवेयर से सोहना मोड पर सेक्टर 55 तक जाने वाली सड़क का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी सख्ते में दिखाई दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इसके अलावा अगर सड़क निर्माण में कोई भी लापरवाही हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री मूलचंद शर्मा ने चेतावनी दी कि निर्माण में किसी भी तरह की कमी होगी तो दोषी अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। सेक्टर 24, सेक्टर 25 आई, ये अपना एनआईटी का क्षेत्र जो बल्लौड़ विधानसभा आता है, 112 करोड़ का एक काम है और 112 करोड़ में पहली सड़क अपने शुरुआत करनी है जो हार्डवेयर से पट्टन तक जाएगी और जल्दी ये सड़क बनकर हम लोगों को समर्पित करेंगे। और इससे शहर के जो उद्योगपति क्षेत्र है, गुड़गामा अपना उद्योग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। और मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी इंडस्ट्री जोन के लिए, ये सबसे बड़ी घोषणा है जो औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले 2 साल में पूरा 24-25 एनआईटी का क्षेत्र लाइट से, पानी से, सड़क से, सीवर से, पूरा आने वाले समय सभी पूरी सुविधा। आगामी त्योहारों के मद्देनजर औरैया में पुलिस के आला अधिकारियों समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने पीस कमेटी की बैठक की। प्रशासनिक अधिकारियों ने जिले के थानों और कोतवाली परिसर कमेटी की बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक शिशुपाल सिंह और सीओ सिटी सुरेंद्र सिंह और एसडीएम सहित कई लोग मौजूद रहे। बैठक में लोगों को शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई है। ये आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सभी संप्रदाय के लोगों को आज बातचीत के लिए बुलाया है। वैसे भी पीस कमेटी की मीटिंग होती रहती है, तो आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था बनी रहे, अच्छी पुलिस की ड्यूटी हो और सब कुछ।
मैनपुरी में सीएचसी पर चिकित्सा अधीक्षक की दबंगई सामने आई है। दरअसल एक व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने के लिए अस्पताल लेकर आया था, लेकिन व्यक्ति के साथ मारपीट की गई और इस मारपीट के दौरान पीड़ित ने वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों से अधीक्षक ने फोन छीन लिया। लेकिन वीडियो के वायरल होने के डर से मरीज को फौरन इलाज के लिए स्वास्थ्यकर्मी ले जाते हुए दिखाई दिए। बाद में पीड़ित ने वीडियो को पुलिस वालों को दिखाते हुए आरोपी चिकित्सा अधीक्षक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और कहा कि इससे पहले भी अस्पताल में आने वालों के साथ ऐसा हो चुका है। प्रतापगढ़ में पुलिस पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। लालगंज कोतवाली इलाके में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान दो सिपाही घायल हो गए और घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई जारी है। हमारे दो आरक्षियों को, एक एसओजी से सत्यन यादव और थाना लालगंज से श्रीराम सिंह, इन दोनों को गोली लगी है और दोनों को सीएचसी से यहां पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और इनको एसआरएन प्रयागराज के लिए रेफर किया जा रहा है। पुलिस पार्टी के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें अभी सुबह पता चला कि उसमें से एक बदमाश, जिसका नाम सोफी है, उसको गोली लगी है और वो किसी तरह से भागने में कामयाब हुए थे और उनको प्रयाग। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आदिल जालिस ने मुलाकात, बुलंदशहर पहुंचकर प्रेस वार्ता की। सपा नेता आदिल जालिस ने कहा कि सपा की मजबूती के लिए सपा की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने और युवाओं को सपा से जोड़ने के लिए काम किए जा रहे हैं और सपा नेताओं की ओर से नारा भी दिया जा रहा है, अब की बार प्रदेश में बनेगी सपा की सरकार। नेता आदिल जालिस ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने नेताओं को बचा रही है और उनसे खुलेआम गुंडागर्दी करवा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बीजेपी सरकार अपने मंत्री को पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही है। अच्छा आदिल जी, आप समाजवादी में 14 सालों से सेवा कर रहे हैं, कार्यरत हैं, आपने अभी तक कोई पद क्यों नहीं लिया है? देखिए ऐसा है, मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ और मैं 14 सालों से सक्रिय रहता हूँ इस पार्टी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे माननीय राज चतुर्थ जी ने इतना बड़ा सम्मान दे दिया, तो ये सबसे बड़े मेरे लिए पद की बात है। अच्छा, अब चुनावों का दौर आने वाला है, गांव-गांव जाकर आप जो है अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक की तरफ से सपा के लिए? देखिए अभी आपने देखा होगा कि मैं भी पूछा था आपने मेरे से कि गांव-गांव जा रहे हैं, मैं हर गांव जाता हूं और हर गांव में मैं 10 मिनट का हर घर में वक्त देता हूं और वहां की जो पब्लिक होती है उनसे रूबरू मैं उनसे हाथ जोड़ के उनके बीच में जाता हूं और मुझे वहां लोगों को बहुत आश्वासन मिलता है, एक एक घर से मुझे आश्वासन मिलता है। और कभी कभी तो लोग कहते हैं लोग कि देखो छोटा अखिलेश यादव आ गया, इतना मुझे पॉपुलर कर रखा है और मैं हर घर में 10 मिनट का वक्त देता हूं, उनकी परेशानियां सुनता हूं। और माननीय राजचंद्र जी जो श्री अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री थे, उनके विकास कार्य के बारे में बताता हूँ, जो जो उन्होंने विकास कार्य किए। देखिए आपने देखा होगा कि 108 एम्बुलेंस थी हमारे घर में, माँ बेटी बहन कुछ प्रेग्नेंट हुआ करती थी, डिलीवरी हुआ करती थी, तो 10 मिनट कॉल करने के बाद में उनके घर पर गाड़ी पहुंचाया करती थी और वो लेके उसको हॉस्पिटल लेके आया करती थी। और उस माँ सारे कार्यक्रम पूरा करने के बाद में जब उसकी छुट्टी होती थी लेडीज की, महिला की, तो वो अपने घर पे ही एम्बुलेंस छोड़ के आया करती थी। लेकिन आज इन्होंने उस एम्बुलेंस को बिल्कुल बंद कर दिया। तो लोगों का ये खूब कहते हैं लोग मुझसे कि हाँ राजचंद्र जी, श्री अखिलेश यादव जी का काम था और उनके विकास कार्य को लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं और मुझसे कहते हैं कि अखिलेश जी का काम हमें पसंद था, 2012 की तरह हम 2022 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हर हाल में बनाएंगे। अच्छा, विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए विपक्ष के लिए क्या कुछ नहीं कहना है, विपक्ष को आपको पता है कि क्या है। विपक्ष का आपने देखा होगा, सिर्फ शुरू में इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था कि 6 महीने में उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। आपको मालूम होगा, आपने भी कवरेजिंग की होंगी, क्या 6 महीने में गड्ढा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश? मैं देख रहा हूँ अभी कुछ नहीं हुआ और हकीकत तो ये है कि 6 महीने सिर्फ रह गए हैं।
इनके खुद इनके मुक्त होने के यहाँ से 6 महीने लगे हैं और ये सरकार जो है यहाँ से जाने वाली है और समाजवादी पार्टी की सरकार बेहद अच्छी तरीके से बहुत कामयाबी के साथ अच्छी सीटों कम से कम 350+ सीटों से सरकार आ रही है। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं क्या कानून व्यवस्था है, हर कहीं पे बलात्कार हो रहे हैं, हर कहीं पे मर्डर हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा लखीमपुर की घटना क्या हुआ था, आप एक किसानों पे जो रैलियां कर रहे थे वहां पे भीड़ इकट्ठी, आप शासन प्रशासन के सामने ही इन पर गाड़ियां चला रहे हैं, क्या है ये, ये गुंडा राजनीति और क्या है। तो यहाँ के मैं समझता हूँ वहां के जो गृह मंत्री है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये हमारी मांग है। अच्छा, इतने दिनों से किसान लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है धरने पर बैठे हुए हैं, ना उनकी कोई बात सुनी जा रही है और किसी भी तरह का उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अफसोस होता है मुझे सब चीजें देखकर, मैं रातों रात टीवी देखता हूँ, न्यूज देखता हूँ और पिछले 10 महीने से किसान एक ही हाल में बैठे हुए हैं, ना उनकी कोई सुनवाई है ना उनको। ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं इनको थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर, कि ये हमारे अन्नदाता हैं, ये हमको खाने के लिए अनाज देते हैं, हमारे लिए कपड़े देते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आखिर मोदी जी कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ बाहर जाने का वो अपना रास्ता देखते हैं कि आज मेरी फ्लाइट बाहर की है, कल मेरी फ्लाइट वहाँ है। अरे किसान इनके बारे में सोचिए, जो हमारे अन्नदाता हैं ये, इनके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? तो मुझे लगता है ये बड़ी शर्म की बात है कि किसानों पर इतना अत्याचार हो रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है और किसानों के साथ हम खड़े हैं, हमारी पार्टी खड़ी है। आपकी पार्टी सत्ता में आने पर क्या जो है पब्लिक के लिए, रोजगार युवाओं के लिए करेगी और पब्लिक के लिए क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराएगी? देखिए माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी का मैनिफेस्टो है, वो कह भी चुके हैं कि सबसे पहले हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 10 लाख युवा जो है हमारे बेरोजगार हैं उनके लिए हम नौकरी देंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं और बनेंगे तो उनका एक ही कैबिनेट की जो पहले मीटिंग होगी एक ही उनका कलम चलेगा, वो 300 यूनिट बिजली के लिए चलेगा और 10 लाख युवा भी नौकरी के लिए चलेगा। देखिए भाजपा सरकार अब तो सौतेला व्यवहार ना करती तो ये तो 2.5 साल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो गया होता, यहाँ मेडिकल की सुविधा होती, एम्बुलेंस खड़ी होती, लेकिन यहाँ अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार बताए कि उन्होंने काम क्या किया है और अभी आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, किसानों को 500 रुपये का सम्मान दे दिया, बोरी में से खाद निकालिए 500 रुपये का सम्मान दे दिया। तो ये सब जो है किसान पूछेगा, हर किताब हिसाब लगा कर बैठेगा कि उसकी बिजली का बिल, उसका डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, किसान जो है सारी हिसाब किताब लगा कर पूछेगा और इससे जवाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा और ये सरकार जानती है कि किसानों के साथ। रायबरेली के मलेरिया थाना क्षेत्र में पुलिस की लचर कार्यशैली से अपराधियों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं रहा। घर से आटा लेने गई नाबालिग किशोरी के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। गंभीर हालत में किशोरी को महिला मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बाद में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। देर रात थाना मिलिया पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना मिलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र करीब 14-15 साल होगी उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर मिले एरिया द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और क्षेत्र अधिकारी नगर द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और तत्काल लड़की को मेडिकल के लिए लगाया गया। लड़की के पक्ष की तरफ से एक तहरीर आई है जिसमें उसने अपने गांव के बगल के एक गांव के एक लड़के को बताया है कि उसने ही उसके साथ दुष्कर्म किया है। उस लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। अभियोग दर्ज मैनपुरी में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि करनी सेना के जिलाध्यक्ष उदित प्रताप सिंह ने शस्त्र पूजन के दौरान ये हर्ष फायरिंग की है। वहीं मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सीओ अभय नारायण राय का कहना है कि हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है और जाँच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो अभी जो हम लोगों को दिखाई दे रही है इसमें एक व्यक्ति के द्वारा शस्त्र पूजन के पश्चात
फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम लोग जांच कर रहे हैं और जैसे ही जांच में तथ्य प्रकाश में आता है शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण से लेकर के अगर उनके द्वारा। हमीरपुर के मझगवा थाना क्षेत्र के सरगांव में देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान एक पक्ष ने पथराव करते हुए ग्रामीणों को पीटा, जबकि आक्रोशित ग्रामीणों ने सीओ आवास के पास पहुंचकर जंग पर हंगामा काटा। ग्रामीणों ने सीओ को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। जो मूर्ति विसर्जन हो रहा था सर, तो वो बच्चे लोग मूर्ति से ले जा रहे थे सराहने, तो वो मतलब गांव में झगड़ा हो गया लड़की से। वो जो हरगमन की लड़की थी वो बीच में आगे नाचने लगी, तो मेरी लड़की से झगड़ा हो गया। तो सर ऐसा हुआ कि बस झगड़ा हो गया तो उसने मतलब मेरी बच्ची को मारपीट की, मैंने उसको अलग कर दिया। इसके बाद उसका चचेरा भाई आया तो मेरी लड़की को खींच के ले गया सर। इसके बाद उसको अलग किया, फिर हम लोग चले गए सराहने। फिर के बाद दो पुलिस वाले भी सर खड़े थे, उनने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि जी क्या घटना है। अब आप बताइए सर क्या करेंगे हम लोग। सर हम मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे तो हमारी जो बच्चियां हैं वो मतलब अपने मूर्ति के साथ में जा रही थी, तो कुछ मतलब ठाकुर की बच्चियों ने बालू कंकड़ मारे, तो उसके मतलब हमने मना किया बच्चियों ने, तो उनने हमारी बच्चियों को मारा। और फिर चार पाँच लड़के भी आए, उनने हमारी बच्चियों के साथ मतलब अभद्रता की, उनके साथ छेड़खानी की। और उनके साथ भूतपूर्व प्रधान का प्रतिनिधि संजय सिंह भी था और मौसम, पांच छह लड़के थे मतलब बारी बारी से, उनका नाम मैं अब उसमें लिखवा चुका हूँ। तो पुलिस भी मौके पर पहुँच गई थी, पुलिस ने भी हम ही लोगों को कहा कि तुम मतलब दूसरी जगह ले जाओ, उन लोगों को कुछ नहीं कहा। तो हम मतलब चमार दलित अपने दूसरी जगह ले गए। मझगवा थाना का फोर्स भी आया, उनने हम लोगों से अपने सारी बातचीत घटना की सारी पूछ ली, लेकिन एक्शन नहीं लिया उन हम लोगों ने। और ये सारे बालू माफिया हैं, हमारी मेन रास्ता से अवैध खनन कर रहे हैं, रात में दिन में बच्चे भी मतलब वहाँ जैसे खेल रहे हैं तो उसमें दुर्घटना होने की संभावना रहती है। शादी विवाह है वहाँ पे, खाना चल रहा है, तो हम लोगों को पत्थर उठा के इधर उधर जाना पड़ता है। इतना मान हम लोगों पे अत्याचार हो रहा है सर। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सामान खरीदने आए तित्रा बाजार के सिद्धार्थ नगर के व्यवसायी को शातिर टप्पेबाजों का शिकार होना पड़ा। शातिर टप्पेबाजों ने फर्जी पुलिस वालों का रूप लेकर व्यक्ति का बैग चेक करने के नाम पर घटना को अंजाम दिया और व्यवसायी से हजारों रुपए लेकर टप्पेबाज फरार हो गए। और इस घटना से इलाके के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। छात्रों के फरार होने पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में पूर्व प्रधान और उसके परिजनों को घेर कर दबंगों ने जमकर पीटा। इस पिटाई में पूर्व प्रधान सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं दबंगों के इस हमले से ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ में नगला के पास हाईवे पर बेकाबू रोडवेज बस ने पति पत्नी को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत से ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। आक्रोशित लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया है। हंगामे की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी प्राथमिक सूचना है, भीड़ भाड़ ज्यादा है यहाँ जाटोपुरी पे। संभवतः जो बताया जा रहा है किसी रोडवेज बस से दो व्यक्तियों की टकरा के दुर्घटना हुई है। दोनों बहुत गंभीर बताए जाते हैं, अस्पताल भेजा गया है और अस्पताल से जैसी सूचना प्राप्त होती है आपको अवगत कराया जाएगा। नहीं अभी ऐसी कोई सूचना नहीं, भीड़ भाड़ काफी है, वो हम लोग लगे हुए हैं और कानून शांति व्यवस्था की। अयोध्या में पुलिस ने मंजीत यादव की हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में शामिल चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। छात्रों की निशानदेही पर आला कत्ल पिस्टल, कारतूस और घटना में प्रयुक्त असलाह कारतूस सहित छह वाहन बरामद कर लिया गया है, जिसमें 14 आरोपितों में से चार गिरफ्तार किए गए हैं। अभी भी 10 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने बताया कि मंजीत यादव हत्याकांड के पटाक्षेप में लगी नगर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर आरोपी की तलाश की थी। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीन आरोपी में कार्रवाई की जा रही है। देवकाली चौकी में नील गोदाम मोहल्ले में 13 अक्टूबर को रात में एक व्यक्ति जिनका नाम मंजीत यादव था उनकी हत्या हुई थी, तथा उनकी दो बहनें
उस गोलीबारी में घायल हुए थे। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम वहाँ मौके पर पहुँची थी और वहाँ से कई सारे सुराग एविडेंसेस जो गाड़ियाँ वहाँ पड़ी थी वो सब मिली थी। अगले दिन परिजनों ने तहरीर दी थी। पुलिस टीम ने इस घटना का खुलासा किया और इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें से मुख्य अभियुक्त जिसने गोली चलाई थी, जो गोली मंजीत जी को लगी थी, वो अभियुक्त भी गिरफ्तार है। जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार है उनको वाला आगरा के थाना जगदीशपुर मालखाने से चोरी का मामला सामने आया है। जगदीशपुरा थाने के मालखाने में 25 लाख रुपए की चोरी हो गई। जानकारी होने के बाद एसएसपी मुनिराज और एसपी सिटी विकास कुमार मौके पर पहुंच गए। थाने के सीसीटीवी कैमरे में चेक किए जा रहे हैं और एसपी सिटी विकास कुमार का कहना है कि थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए और 2 पिस्टल चोरी की सूचना मिली थी। छानबीन में पिस्टल मिल गई है, लेकिन अभी मालखाने में रखे 25 लाख रुपए की छानबीन की जा रही है। वहीं अन्य सामान के बारे में जानकारी की जा रही है और इसमें रखे गहनों को भी देखा जा रहा है। जी, आज सुबह हेड मोहरी जब अपने थाना पर आया और उसने अपना चाबी खोला तो उसके बाद चाय पीने के लिए गया और चाय पी के जब लौट के आया तो उसे कुछ अंदेशा हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उसने मालखाने को चेक किया तो उसमें से उसे 25 लाख रुपए वहाँ नहीं मिले, जो एक मुकदमे के में यहाँ पे जब्त थे, उसी की अभी चोरी की सूचना है। बाकी और क्या क्या हुआ है इन सब बातों के लोग तफ्तीश कर रहे हैं। पूरी पुलिस टीम यहाँ मौजूद है, फॉरेंसिक टीम मौजूद है, जो भी आगे मिलेगा आप लोग को अवगत कराया जाएगा। नहीं, पिस्टल मिल गया है ऐसा उसे अंदेशा था, लेकिन जब चेक किया जा रहा है पूरे मालखाने को, चेक किया जा रहा है पूरे मालखाने में जितनी भी इन्वेंट्री है उन सबको चेक किया जा रहा है। तो चोरी हुई कैसे कुछ मालूम पड़ा? ये हम लोग देख रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।